जब कुकीज आइटम की बात होती है या बेकरी वाले बिस्किट की बात होती है तो हमारे दिमाग में वो ट्रेडिशनल तरीके से जिसमें आग जलाकर और ऐसे मैनुअली लोग काम करते थे वो ख्याल आता है। लेकिन ज़माना मेरे दोस्त मॉडर्न हो गया है और चीज़ें आज सब आधुनिक हो गई हैं। तो आज हम उसी बेकरी मशीन को लेके आए हैं, कैसे काम करता है, तमाम तरह की जानकारी आज बेकरी मशीन से संबंधित रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टिलर फार्मिंग पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बेकरी मशीन से संबंधित रहने वाले और इस मशीन में कौन कौन से आइटम हम तैयार करेंगे वो जानने की कोशिश करेंगे हम। दोस्तों मैं बता दूं कि अभी मैं दिल्ली NCR रीजन में हूँ, जगह है गाजियाबाद और कंपनी का नाम है फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग। तो आइए इस बेकरी मशीन के बारे में चीज़ों को एक्सप्लोर करके यहाँ की जो एम्प्लॉय हैं प्रिया मैम उनसे जानते हैं, हर एक बारीकियों को उनसे समझने की कोशिश करते हैं, कितने इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है, कितने लोगों की जरूरत पड़ती है और क्या प्रॉफिट मार्जिन है, ऐसे तमाम तरह के सवाल अभी आगे आपको वीडियो में मिलेंगे। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों इस तरह का जो बेकरी आइटम होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं, साथ ही ये जो रस्क होता है ऐसे और तमाम तरह की कौन कौन सी चीज़ें यहाँ इस मशीन से बनेंगी, यहाँ की एम्प्लॉय है प्रिया मैम उनसे हम जानते हैं। मैम हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी थैंक यू सर। सबसे पहले अपना पूरा परिचय और कंपनी का पूरा एड्रेस हमारे व्यूअर्स को दीजिए। सबसे पहले नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिया फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग जो कि आपके दिल्ली NCR गाजियाबाद लोकेशन में उपस्थित हमारी कंपनी है जो कि मशीनों का काम करती है, आपके कहने से कस्टमाइज़ भी करती है और हमारा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का ही काम है जो आपको मार्केट से कम दामों में यहाँ पे मशीनें उपलब्ध होती हैं। और हमारे कंपनी में आपके लिए स्वागत है कि आप कहीं से भी यानी कि आउट ऑफ इंडिया भी आते हैं तो आपके रहने से खाने तक की सुविधा भी हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो मैम आज इस बेकरी मशीन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, चीज़ों को एक्सप्लोर करके आप बताइए। जी सबसे पहले कि बेकरी आइटम में हमारा ख्याल आता है कि हम सुबह उठते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, सब सोचते हैं कि क्या खाया जाए। तो सबकी पसंद जो होती है वो चाहे वो कहीं बाहर रहता हो, अकेले रहता हो खासकर, तो उसके दिमाग में एक चीज़ आती है क्यों ना पाव रोटी खाया जाए, क्यों ना ब्रेड खाया जाए, क्यों ना रस खाया जाए, क्यों ना फैन खाया जाए, क्यों ना बंद खाया जाए। तो इतनी सारी वैरायटी है जो हमें सुबह से लेकर शाम तक और खासकर उन लोगों के लिए जिनके जो अपने घर वालों के साथ भी नहीं होते हैं, तो हर जगह चढ़ने वाला आइटम चाहे वो गाँव हो शहरों, आजकल जगह जगह पे इन चीज़ों को मोटिवेट और काफ़ी लोग खुद का बिजनेस चालू करके हर घर घर तक सप्लाई करने लगे हैं। तो ये एक ऐसी मशीन होने वाली है जो आप एक छोटी सी ठेली लगा के बिजनेस कर सकते हैं, छोटी सी दुकान खरीद के बिजनेस कर सकते हैं, लोग अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं मशीन लगा के, या फिर बड़े स्तर पर भी इसको कस्टमाइज करवा के बड़े लेवल पर भी लगवा सकते हैं। तो मैम बात करें कि इस बेकरी मशीन की तो कौन कौन से मॉडल आपके पास उपलब्ध हैं? सर हमारे पास आपके छोटे से लेके बड़े स्तर के सभी मॉडल हैं, जैसे कि हम शुरुआत करते हैं मात्र 35,000 रुपये से, या बिल्कुल बेकरी की शुरुआत ऐसा नहीं है कि जिस पे लाखों करोड़ों रुपए हो वही बिजनेस कर सकता है, मात्र कम से कम इन्वेस्टमेंट करके भी आप बिजनेस को चालू कर सकते हैं, वो भी घर पे बैठे ही, और सिर्फ एक अकेला पर्सन ही इस मशीन को अपने आप हैंडल कर सकता है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप काफ़ी पढ़े लिखे हो, आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत हो, सिर्फ इसको ऑपरेट करने की ज़रूरत होती है, यानी कि चलाना कैसे होता है मशीन को, कैसे इसको बेक किया जाएगा, बनाया जाएगा, ये सभी ट्रेनिंग आपको अच्छे से हम लोग सिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैम ने बताया कि मात्र 35,000 से इस बेकरी मशीन की, या बात करें तो बेकरी बिजनेस की, आप शुरुआत कर सकते हैं, इसमें लाखों करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है। आपके पास मात्र अगर 35,000 रुपए है तो इतने से भी इस बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं। तो मैम ये बताइए कि सबसे पहले अगर हम सवाल करें तो कि कौन कौन से आइटम इसमें बन सकेंगे, बेकरी के कौन कौन से आइटम इस तैयार कर सकते हैं, हमारे दर्शक तैयार कर सकते हैं, वो बताइए। तो सर जैसे कि ये हमारा जो मशीन है बेकरी आइटम जो हमें रेस्टोरेंट में खाने के लिए चीज़ें मिलती हैं और जो मार्केट में छोटी छोटी दुकानों पे चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ें बन सकती हैं। जैसे कि बात करूँ कि हमें केक खाना हो केक बना सकते हैं, ब्रेड खाना हो ब्रेड बना सकते हैं, बर्गर सभी को पसंद होता है बंद बना सकते हैं, रस बना सकते हैं, पापे बना सकते हैं, बेकरी बिस्किट्स बना सकते हैं, इसके अलावा कई तमाम चीज़ें हैं, केक बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं, मतलब गिनती ख़त्म नहीं होती। फूड में इतनी वैरायटीज होती हैं कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या आप सेल करना चाहते हैं, तो
उतनी तरह की चीज़ आप इससे बना सकते हैं। मैम अभी जो ये हमारे बगल में जो मशीन पड़ी है ये कितने की मशीन है? ये जो मशीन है सर इसको बोलते हैं वन डे टू ट्रे, यानी कि एक संग इसमें दो ट्रे लगा के आप अच्छी खासी रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो इस मशीन को लगा के अपना बिजनेस अच्छे लेवल से शुरू कर सकते हैं, जो मात्र मात्र सिर्फ आपको 75,000 रुपये से चालू है। क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी इसकी? प्रोडक्शन कैपेसिटी ऐसी है कि अगर आप एक दिन में अगर अपना लगा रहे हैं तो अच्छा खासा आप 40,000 से 50,000 रुपए का माल एक दिन में सेल कर सकते हैं, इतना प्रोडक्शन आपका ये 8 घंटे में कर देगी। बिल्कुल। अगर बात करें मैम कि जैसे कोई भी है तो पैसा लगाएगा इन्वेस्ट करेगा तो वो जानना चाहे कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो क्या अगर इस तरह के बिजनेस को शुरुआत किया जाए, इस मशीन के साथ अगर कोई बिजनेस की शुरुआत करता है तो कितना प्रॉफिट एक दिन का हो सकता है? प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो सर आप भी जानते हैं मार्केट में सभी लोगों को इतनी नॉलेज होती है कि चीज़ ऐसी है खाने की बिकने वाली जो आपकी महीनों और सालों साल चलता है, कभी ये बिजनेस नहीं बन हो सकता लेकिन आपका काम बड़े लेवल तक जाता है। और पसंद ऐसी है कस्टमर्स की हमारे ग्राहकों की जो आपकी रेट कभी कम नहीं होते हैं, रेट हमेशा बढ़ेंगे खानों के, लेकिन आपकी जो चीज़ है जो मैदा लग रहा है मात्र आपका 40 रुपये का लग रहा है लेकिन उस मैदे से 1 किलो मैदे से भी आप कम से कम 4 से 5 ब्रेड तैयार कर रहे हैं और उसमें आपको मार्जिन देखा जाए तो एक ब्रेड पे भी सीधा सीधा आपको कितना 7 से 8 रुपये बच रहे हैं। तो आप सीधे देख सकते हैं कि अगर आप सीधे होलसेल में सेल करना चाहते हैं, रिटेलर पे सेल करना चाहते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बड़ा होता है। या बात करूँ छोटी मोटी से भी, अगर आप मात्र छोटी मशीन से बिजनेस चालू कर रहे हैं तो पर डे के आपके 2,000 से 4,000 रुपये कहीं नहीं जाते हैं। मतलब अगर मिनिमम बात करें तो अगर कोई 35,000 रुपये से बिजनेस की शुरुआत करता है तो 2,000 रुपये एक दिन में कम से कम बचेंगे। सर एक 2,000 की गारंटी है क्योंकि आप सामान वो बेच रहे हो जो हर कस्टमर की पसंद है, हर घर की चॉइस है और हर जगह डिमांड है, जो कभी भी बिजनेस बंद कभी नहीं हो सकता। ब्रेड खाना कोई छोड़ सकता है क्या? रस पापे खाना कोई छोड़ सकता है क्या? लोग खाना खाने को नहीं मिलता लेकिन लोग ये खाना नहीं बंद कर सकते। अब बात करते हैं मैम कि जैसे ये मशीन कोई भी लगाएगा तो उसके लिए मशीन नया होगा, तो इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे मशीनें एग्जीक्यूट होंगी, कैसे कैसे रॉ मटेरियल्स इसमें इस्तेमाल करने हैं, बात करें तो इसके ट्रेनिंग वगैरह कैसे लोगों को मिलेगी, क्या करना होगा वो बताइए। हाँ जी सर, अगर बात करूँ मैं मशीन की, जैसे कि अभी ट्रेनिंग पूछा तो ट्रेनिंग की ऐसा है, जब आप मशीन को अपने घर पर मंगवा लेते हैं तो आपको ऑपरेट करने के लिए यानी कि सिखाने के लिए हमारी तरफ से हमारा एक पर्सन जाता है, एक व्यक्ति को भेजेंगे हम आपके पास जो आपको एक दिन आपके पास रहेगा, आपको सिर्फ उसका किराया यानी कि उसका फेयर देना होगा, उसका आपको रहने का व्यवस्था करना होगा, एक दिन वो आपके पास रुकेगा, वो आपका पूरी तरीके से ट्रेनिंग दिखाएगा कैसे इसको चालू करना है, कैसे बंद करना है, किस हीटर पे किस चीज़ को बेक करनी है, क्योंकि अगर आप बिस्कुट बना रहे हो तो उसका बेकिंग टाइमिंग अलग होता है, केक बना रहे हैं उसका बेकिंग टाइमिंग अलग होता है, तो एक एक चीज़ को आपको सिखाएगा, आप उससे एक बार पूछे चाहे 10 बार पूछे वो आपको प्रॉपर सिखा के आएगा। तो ट्रेनिंग की बिल्कुल ना सोचे, अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं ना आप हमसे तो हम आपको बिल्कुल संतुष्ट होकर भेजेंगे। जैसे कि बताया मैंने कि ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, तो इसके साथ ही साथ ये है कि हम लोग तो आपको 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग देते हैं लेकिन आप चाहते हैं डीपली नॉलेज यानी कि बहुत सारी जानकारी कैसे कैसे इसको तैयार करेंगे सारा चीजें नॉलेज, तो आपके नियर बाय कई सारी संस्थाएं होती है, गवर्नमेंट भी इस चीज को काफी उत्साहित करते हुए आप लोगों को सिखाने के लिए 15 दिन की 10 दिन की फ्री ट्रायल कोचिंग भी देती है, तो आप वो भी लेके अपने आपको और ज्यादा अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, उससे क्या होगा कि अगर आप सीखेंगे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर अगर वहां भी लेना चाहते हैं आपको और अच्छा सीखना है तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी जाके 10 से 15 दिन में सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। उससे ये बेनिफिट होगा कि आप जल्द से जल्द उस चीज़ को सीख पाएंगे, आपको एक प्रोफेशनल कोर्स का सर्टिफिकेट होगा जिससे आपको आसानी से लोन मिलने में गवर्नमेंट की तरफ से, और साथ ही साथ उस बिजनेस को चलाने के लिए सामने वाले बंदे को ये पता है कि वो अच्छे से एक प्रोफेशनल है तो आपको इस काम को आसानी से करने में बहुत सहायता मिलेगी और बिजनेस को आप ऐसे करके आगे बढ़ा भी सकते हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से आगे स्तर पे छोटे से लेके जा रहे हैं तो बड़े तक आप कब पहुंच जाएंगे आपको अनुभव भी नहीं होगा। अब बात करते हैं मैम कि जैसे मशीन है तो चलेगी तो ख़राब होगी ही होगी, तो क्या सर्विसेज वगैरह आपकी कंपनी की तरफ से मिलेंगी? सर्विसेज की बात करूं सर तो इसमें हमने हर मशीन के संग हर किसी को हम 1 साल की वारंटी देते हैं कि मशीन में सिर्फ कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी आपको मशीन देते हैं तो बिल्कुल एक वुड में पैक करके भेजते ताकि आपकी मशीन डैमेज ना हो, तो इसी चीज़ की सिर्फ फिजिकल कोई भी तकनीकी खराबी आती है कि मशीन काम नहीं कर रही है, कोई दिक्कत परेशानी सपोज आ जाए तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सिर्फ हमें
हमें कॉल करके अपनी क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो हम 2 से 3 दिन में आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। इसकी आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत की ज़रूरत नहीं है कि आप दूर हैं तो आपको सहायता नहीं होगी या आप पास हैं तो हमारे पास नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम इंडिया सो इंडिया आउट ऑफ इंडिया भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अब आपको देश के अलग अलग हिस्सों से लोग देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो देश के बाहर से भी कुछ लोग देख रहे हैं, तो ये बताइए मैम कि जैसे मशीन कोई लेना चाहता हो, इस बिज़नेस में बेकरी बिज़नेस में कोई इंटरेस्टेड है, तो मशीन लेने का क्या प्रोसेस है? सर बेकरी बिज़नेस का ऐसा है कि जो भी इसमें जाता है ना वो लाइफ टाइम के लिए जाता है। बेकरी का बिज़नेस ही ऐसा बिज़नेस है, शॉर्ट टर्म बिज़नेस नहीं होता। तो इस बिज़नेस में जाके इतनी प्रॉफिट होती है कि अदर बिज़नेस में आपका हो सकता है कभी चले ना चले, लेकिन खाने का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस होता है कि 365 दिन चलता है। तो प्रॉफिट मार्जिन इसमें कम से कम कुछ भी नहीं तो 70 से 80% प्रॉफिट रेशो होता है इसमें। सर जैसे कि का प्रोसेस हमने बताया ही साथ में, जो मशीन अगर बात करूं कि इसको कैसा आप परचेज कर सकते हैं, आउट ऑफ सिटी रहते हैं या नियर बाय रहते हैं तो आपको कहीं जाने की ट्रैवलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप हमसे कॉल करके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुद मशीनें के बारे में हम आपके सामने से देखें तो ये व्यवस्था भी आपकी की गई है। मात्र आपको 30 से 50% डाउन पेमेंट करके आप बुकिंग कर सकते हैं किसी भी जगह से, किसी भी स्टेट से। सिर्फ आपको बुकिंग करनी है और आपकी ये मशीन जैसे ही आप बुकिंग कर देते हैं 10 से 15 दिनों में ये मशीन आपके पास आ जाएगी, तो आपको वहाँ पे फुल पेमेंट करनी है। मशीन कहाँ कहाँ डिलीवर करवा सकते हैं? मशीन आप किसी भी स्टेट में रहते हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश हो, चाहे आप आउट ऑफ इंडिया हो, चाहे आप आउट ऑफ सिटी हो, किसी भी स्टेट में आप रहते हैं तो इजीली हम कहीं भी आपकी मशीन आपको पहुंचा देंगे। कहने का मतलब कि अगर पूरे भारत की बात करें तो कहीं भी आप भेज सकते हैं और देश के बाहर भी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और अपना समय देने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे प्रिया मैम फूडमार्ट एग्रो इंजीनियरिंग से। मैम ने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर करके बताया, साथ ही बताया कि बिल्कुल क्लियर कट बात इन्होंने बताया कि हम तो ट्रेनिंग देंगे ही देंगे, लेकिन आपके साथ बहुत सारे जो है गवर्नमेंट संस्थान के द्वारा, सरकारी माध्यम के द्वारा गांव स्तर पे भी इस तरह के बिजनेस की ट्रेनिंग दी जाती है जो निःशुल्क रहती है। तो आप उस तरह का भी ट्रेनिंग लेके और इस बिज़नेस में अच्छे से आप उतर सकते हैं। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। स्क्रीन पर फूडमार्ट एग्रो इंजीनियरिंग का नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे पते के साथ इनका मोबाइल नंबर दिया गया। फिर भी हालांकि मेरी सलाह रहेगी कि कॉल करने से बेहतर है आप कंपनी विजिट करें, मैम से मिलें, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करके मैम आपको और अच्छे से बताएंगी, उसके बाद आप अपने पैसे को इस बिजनेस में इन्वेस्ट करें। दोस्तों आशा ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।